नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। ये अटेली विधानसभा और कर्णा खंड का सीहोर गांव है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीतिक हवाएं किस ओर बह रही हैं। हमने यहाँ के पंचायत घर में भी देखा, धर्मशाल में देखा और विभिन्न हिस्सों में देखा कि लोग हमें बात करने के लिए यहाँ नहीं मिले, सब खेतों में गए हुए हैं। यहाँ एक घर है, यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको थोड़ा रेस्ट मिला है। शायद दोपहर का समय है इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ इनका जो प्यार प्रेम की जो निशानी है, हुक्का यहाँ चल रहा है। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं कि राजनीतिक हवाएं किस ओर बह रही हैं। तो हम यहाँ इनसे चर्चा करेंगे कि राजनीति में ये किस ओर चलना चाह रहे हैं और कौन से जो ऐसे नेता हैं या कौन सी ऐसी पार्टी है जो इनके लिए, इनके हित में जो काम करती है। ये सीहोर के कुछ साथी है और मुझे लग रहा है एक दूसरे गांव के भी लोग यहाँ, शायद कोई प्रोग्राम रहा होगा, यहाँ आए हुए हैं। बाबा नमस्कार। नमस्कार। आज राजनीतिक हवा किस ओर चल रही है? कांग्रेस की चल रही है। कांग्रेस की ओर क्यों चल रही है? वही काम, आम आदमी परेशान हो गया। नहीं, पिछले नौ साल के नौ साल में विधायक जो अपने अटली विधानसभा की दर्शन ही नहीं दिया। दर्शन नहीं, कई लोग तो कह रहे हैं ना ना, कोई दर्शन नहीं। और विकास कार्यों की बात करें, कोई विकास कार्य नहीं हुआ किसी भी, पिछले नौ साल में इसी ओर में कोई काम नहीं हुआ। पब्लिक परेशान, आम पब्लिक परेशान है। और कौन किसान है, किसानों का प्रीमियम ले लिया, कोई मुआवजा नहीं हो रहा है, फसल खराब होगी, कपास से मर गई, जिन्होंने कपास बो रखी है ये सब खराब होगी। अच्छा, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अनिता यादव जी भी है, टिकट की श्रेणी में है। एक मिनट सुन लीजिए आप, नरेश यादव जी भी आ सकते हैं और राव नरेंद्र सिंह भी है, राव अर्जुन सिंह भी है। इनमें से किसे आप चुनना चाहेंगे? राव अर्जुन सिंह को। राव अर्जुन पहले देख ली। अच्छा अच्छा, वह वोट लेना होगी फिर बुझेगी। नरेश यादव जी, नरेश यादव पहले एक बार देख लिया जो, लेकिन राव नरेंद्र जी जो है वो कह रहे हैं कि हम पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और लोगों के काम किए हैं। कोई एक तो बताए काम ये किया है। तो आपके पास ऐसा कौन सा काम है क्यों चले गए? राव काम किया, जो आदमी काम करेगा अपने घर को छोड़ के नहीं जाएगा। वो नारनौल क्यों चले गए? अभी अपना घर बताते हैं राजेंद्र सिंह और नारनौल चले गए। नारनौल चले क्यों गए? अगर वो काम करता है, पब्लिक से जुड़ के रहता है। बहुत सी बार ये देखने को और सुनने को मिलता है कि राव नरेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बहुत से कार्य करवाए। कौन कौन से कार्य करवाए उन्होंने? हमारे अंदाजे में सारे भाई बैठे हैं, मेरा नहीं, उन सबसे भी बातचीत कर लेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। कोई काम नहीं अपने। राव अर्जुन सिंह से आपका इतना प्यार क्यों है? प्यार नहीं है, आदमी कैसे है? वो बहुत अच्छे आदमी है, इनके फादर बहुत अच्छे है, इनको बेबाक आदमी, मतलब आप लोगों को बेबाक आदमी है, बेबाक आदमी है। आप लोगों को विश्वास है कि राव अर्जुन सिंह को, क्या आपको अंदाजा है कि टिकट मिल पाएगा? हाँ बिल्कुल, टिकट अगर टिकट मिलता है राव अर्जुन सिंह के साथ। हाँ साथ है, टिकट ना मिलेगी जब भी साथ है। चलिए, तो अंकल कह रहे हैं कि राव अर्जुन सिंह के साथ में है, चाहे टिकट मिले या ना मिले। और कुछ लोग हैं सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं सतपाल पोता। अब पोता से यहाँ किसी बैठने उठने वाले लोगों के पास आए हुए हैं। तो क्या आपको लगता है किसको टिकट मिलेगी कांग्रेस की? अगर हम बात करें, जैसे भाई कह रहे हैं कांग्रेस को, तो राव अर्जुन सिंह को मिलेगी। और ये सारा क्षेत्र राव अर्जुन सिंह के साथ कंधे से कंधा मिला करके रहेगा और राव अर्जुन सिंह की हरियाणा की पहली जीत हो, मतलब बहुत ज्यादा वोटों से आप बता रहे हो। राव अर्जुन सिंह के परिवार से और राव अर्जुन सिंह मिलनसार परिवार है इस क्षेत्र के, अहिरवाल क्षेत्र बोलते हैं, इस क्षेत्र के इस परिवार से बहुत ज्यादा लगाव रहे हैं और राव अर्जुन सिंह भी उसी विचारों के हैं। राव अर्जुन सिंह मिला तो आदमी है। बीजेपी ने काम नहीं करे 9 साल में, बीजेपी ने तो 9 साल में कोई काम ही नहीं किया जी। ये सरकार धर्म के नाम पे ज्यादा चलती है, बागेश्वर धाम जिस पे कावड़े चढ़ती हैं, जहाँ धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वहीं वो मंदिर केवल कट से 1 किलोमीटर की दूरी पे लाखों श्रद्धालु भी आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं अलग अलग राज्यों से, जिससे इसका बहुत फायदा है। 6 महीने हो गए लोगों को बैठे हुए लोग भरने पर बैठे, लेकिन उसके बारे में कोई सुनाई नहीं की। IMT का पत्थर लगा दिया, लेकिन यहाँ कोई प्लांट स्थापित नहीं किया, बोर्ड लगाया, सिर्फ बोर्ड लगाया, उद्योग स्थापित नहीं करे। जमींदारों को न तो मुआवजा मिला, न आगे मिलने की आस है। अब आने वाली जो फसल है
इसमें बाजरा और कपास इस क्षेत्र में ये ग्वार और वो तो खत्म हो गई। ये बारिश ज्यादा होने की वजह से फसल लोगों की नष्ट हो गई, कीड़ा भी लग गया पीछे 80% इस क्षेत्र में कीड़ा भी लगा हुआ है तो उसका सरकार ने मुआवजा देने की बात ही नहीं की है। फिर आप जो वोट डालो पीछे ने, जैसे पिछले 2019 में भी और 14 में भी जी सर, भाजपा ने क्यों चुना था, क्या सोच के चुना था? फिर आप जब आप कह रहे हो इतनी कमियां हैं, काम नहीं करती, फिर क्यों चुना था? देखो जी, बात ये है कि यहाँ हो गए आप, यहाँ इस क्षेत्र के लोगों ने राव इंद्रजीत को सीएम बनाने के लिए अच्छा। भाजपा से वोट दी थी और सरकार ने उनको दरकिनार कर दिया, नहीं दिया, तो अब भाजपा से अपना भाजपा से बिल्कुल यहाँ इस क्षेत्र के लोग बिल्कुल नाराज हैं। इंद्रजीत सिंह तो खुद अभी भी भाजपा में है, भाजपा में है ना, भाजपा उनको कुछ दे तो नहीं रही, कुछ दे नहीं रही। हम तो राव अर्जुन सिंह के साथ साथ कांग्रेस के साथ साथ और अन्य वोट मतलब पीछे आपने 14 में और 19 में भाजपा ने वोट दिया, गलती करी हमने भाजपा से। मतलब आप कुल मिला के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं साथी कि जो है हमने बहुत बड़ी गलती करी, भाजपा ने वोट देकर भाजपा ने कोई काम नहीं करे। और दूसरे हमारे साथी हैं सर, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम वीरेंद्र है जी, मैं बड़प से हूँ। बड़प से आप यहाँ आए हुए हैं? हाँ जी, बड़प से। तो कौन सी सरकार बड़ी है? आपने सारी सरकारें देखी अब तक? तो कांग्रेस सरकार बड़ी है जी। तो भाजपा की 9 साल हमने बहुत काम कर, हम तो राव साहब को सीएम देखने की वजह से वोट दिए थे जी। मतलब जो ज्यादातर लोग यहाँ कह रहे हैं कि जो राव इंद्रजीत सिंह को जो राजा भी कहते हैं उनको, उन्हें सीएम के रूप में लोग देखना चाहते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट दिया। लेकिन इनका कहना यह है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को ये पद ना दे करके यहाँ क्षेत्र के लोगों को जो मनोबल गिराने का काम किया है, एक तरह से बहुत गलत किया है। और हम थोड़ी देर बातचीत करेंगे आपके साथ में। और अपना टेली विधानसभा का क्या हालचाल है? कोई काम नहीं हो रहा है जी। विधायक जी सीताराम यादव जी तो हर गांव में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक काम गिना दो जो हमारे क्षेत्र में काम हुआ हो, वो तो बता दो। 4 साल में एक काम गिनवा दो भाई, विधायक ने ये काम क्षेत्र में छोड़ो जी, आपके गांव में कुछ करा है? हमारे काम में तो कोई काम ही नहीं हुआ। जो बड़प गाँव है ना आपका, बड़प गाँव में कौन कौन से काम? कोई काम नहीं हुआ जी, कोई काम नहीं, कोई कुछ भी काम नहीं। रोजगार बिना खर्ची पर्ची के देने लग रहे? किसके रोजगार किसने मिला है जी? 4 साल निकाल दिए, कोई भर्ती नहीं की सरकार ने। 2 साल कोरोना में चले गए। सीएटी का जो टेस्ट होना चाहिए था, जो आज होना चाहिए था, उसके 2 साल निकाल दिए सीएटी के टेस्ट में। फिर कोई टेस्ट होता है उसका पेपर लीक कर देते हैं। कुल मिलाकर रोजगार देने का काम नहीं कर रही सरकार, कोई रोजगार नहीं दिए, बेरोजगारी ज्यादा, महंगाई ज्यादा। दो बार आप लोगों ने भाजपा को चुना है, हाँ, दो बार जो नाराजगी का नाराजगी जो अब आपकी भाजपा के प्रति है, वो उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण सबसे ये है, हमने वोट दिए थे जी राव इंद्रजीत को सीएम बनाएंगे, इसलिए वोट दिए थे, अन्यथा हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो अब इंद्रजीत सिंह तो फिर भाजपा में ही है, भले ही हो जी, अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। चाहे इंद्रजीत सिंह भाजपा में रहे या ना रहे, बिल्कुल अब वोट भाजपा ने नहीं दी। पक्की सोच ली की बात, ज्यादा मतलब खटक गई भाजपा 9 साल में, नहीं तो काम कराते नहीं इधर का कोई सीएम होता। मतलब मेन बात यह है कि इस साइड का सीएम होगा जब इस साइड में विकास कार्य होंगे। हाँ जी। अच्छा, और क्या कहना चाहो आप? कहना है राव अर्जुन सिंह की बात आपने करी, ध्यान दिलाया, राव अर्जुन सिंह तो पिछले 2 साल से 3 साल से दिखाई नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहे तो फिर भी ये दबंग आदमी है, काम कराने में सक्षम है। और क्या नाम है राव नरेंद्र सिंह जो नारनौल वाले, नरेंद्र सिंह इतने अच्छे काम कराते हैं तो अपने हल्के में रहते और कभी नारनौल जाते हैं कभी। अच्छा, वो स्वास्थ्य मंत्री रहे? हाँ, उससे पहले भी एक बार विधायक रहे, के कुछ काम करा उन्होंने? कैबिनेट स्तर के भी मंत्री रह लिए, काम कोई नहीं किया उसने, काम कोई नहीं किया, खाली लोगों को गुमराह किया और काम नहीं किया। गुमराह किस तरह से करे? इसलिए झूठा झांसा देख कर लोगों को, ये सरकार है ये खाली जाति धर्म के नाम से चुनाव लड़ रही है लोगों को। नरेंद्र सिंह तो कांग्रेस में थे, नरेंद्र सिंह भले ही कांग्रेस में हो लेकिन काम किया हुआ तो आगे लोगों के सामने ही आता है ना। लिपलोला, आप ये कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में काम नहीं करे, और जब कांग्रेस के अगर जो उम्मीदवार जता रहे राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने भी कोई काम देखो नहीं करे। नरेंद्र सिंह से कोई ऐसा नहीं भेदभाव है, हम तो जी रामपुरा हाउस के साथ और राव इंद्रजीत को सीएम देखना चाहते थे, वो तो अभी हो लिया ना, वो तो बता दिया, और अभी हम वोट देंगे राव अर्जुन सिंह।
फाइनल सोच लिया। राव अर्जुन सिंह की कोई एक खूबी बता दो जो अच्छा ही है उनमें। इनमें अच्छी सारी खूबी है जी, जैसे न तो कोई दाग है किसी प्रकार का और न कोई रिश्वत लेते, वो तो उनके पूरे कुंडे में ही नहीं है ना, न कोई झूठ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप लोगों ने देख लिया कि राव अर्जुन सिंह के पक्ष में यहाँ जो बैठे हैं, पता नहीं हो सकता है उनके कार्यकर्ता हो, पर मुझे तो अलग अलग गांव से शायद किसी ने कोई प्रोग्राम की वजह से बैठे हैं। भाई आपके कुछ कहना चाहो? ये कहना चाह रहा सर, भाई साहब 9 साल में आम आदमी भोड़ा भाड़ा जो आदमी सी जिनने थोड़ा बहुत ज्ञान को न्या, वह कंप्यूटर की दुकान पर ही खड़ा रहा है। आज वह आईडी किसी की फसल को रजिस्ट्रेशन को न्या, अब उनने बेवकूफ बना दी सी, कोई नुकसान ओड़ा पड़ेगा तो उनने बेवकूफ बना दी सी, थम भाई रजिस्ट्रेशन कराओ। वह बेचारा साल के 6,000 किसान, पहली सरकार है जिन्हें 6,000 दिया ऐसे लोग कम है यार। बेवकूफ 6,000 कहाँ दे दिए, बता दो मेरे को एक बार बता दो, किसान की जो आय भारतीय जनता पार्टी का 2022 में किसान की आय दोगुनी जाएगी, सरसों बाजरे के रेट तो बतेरे चढ़ गए। ना बाजरा तो कहा चढ़ गए भाई, ऐसी बात है, एक बात तू बताओ, महंगाई भी तो बढ़गी। महंगाई कितनी बढ़गी? 500 रुपया बिजली के बिल, 62 रुपया हम डीजल तो माना, 300 रुपया लिया तो ट्रैक्टर आड़ो, ये बोले से 650। जिस 20,000 रुपए एक जमींदार दिया तो ट्रैक्टर आड़ा ना 50,000। मतलब किसान के हालात जैसी थी वैसी ज्यादा खराब हुई है। तो 2022 का जो वादा था सरकार का, एक जमींदार से डीएपी लेन खातर 2 साल लगी, थाना कल पुलिस आए के डीएपी दिवाओ से, ये कोई मतलब है जेब में पैसे डालने घूम रहा है और उसको खाद नहीं मिलता, पुलिस आए के दुआओ से, ये कुत्तुक बने के कोई हम मुकदमा लड़ने जा रहे थे के कोई किसान की हालत ठीक नहीं है ना, किसान की हालत भी। चलो सरकारी जो शिक्षण संस्थान है अपने, सरकारी स्कूल, उनके हालात में कितना सुधार है पिछले 9 साल में शिक्षा में सुधार हुआ है? सारा मास्टर था के मेवात पटक दिया, एक एक स्कूल में दो दो मास्टर सी, अब वो एक स्कूल में 2 संस्कृत का मास्टर डाल दिया, उन बालका ने कौन तो विज्ञान पढ़ा। अच्छा एक बताओ, हम अपने बालका ने प्राइवेट में पढ़ाने लग रहे हैं ज्यादातर देखने में आ रहा है, क्योंकि सरकारी में तो वही 50 बालक जा रहे हैं, तो ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी विचारधारा हमारे अंदर आई है, हमने सरकारी संस्थान छोड़ के अपने बालक भाई जब मैं कुछ टीचर की व्यवस्था पूरी नहीं है तब ये बालक कोई भी अपना बालक भविष्य खराब के सरकारी शिक्षण संस्थान पे सरकार ध्यान नहीं दे रही नहीं। ये भाई भी कह रहे हैं और ये देखने को भी मिलता है, आपको अगला एपिसोड जल्द स्कूलों पर दिखाएंगे। राम राम। तो राम राम के कुछ कहना चाहो हो? मुसीबत है रही जो ये बता रहे हैं वही, और ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने वोट देंगे, पहले जो इन्होंने भाजपा को लगातार 2014 और 19 में वोट दिया उसका कारण था कि अपने क्षेत्र का जो है मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह को सीएम नहीं बनाया, इस चीज से ये भाजपा से नाराज है। और जहाँ नौकरियों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और काफी बातें किसानी पर भी बातचीत हुई, ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की जो दावे थे, वादे थे, उन सब को देख करके, मतलब कहीं भी इनका कहना यह है कि कोई भी दावा और कोई भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, कांग्रेस को वोट देंगे। ये सीहोर गांव, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि कणीना खंड का ये सीहोर गांव है और यहाँ कुछ सीहोर के भी हैं और दूर दराज से इनके कहीं रिलेशन में कोई लोग जो आए हुए हैं, उनका भी मानना यही है राव अर्जुन सिंह को ये अपना अगला वोट देंगे और जीता लाने की ये बातचीत कर रहे हैं। राम राम। तो क्या हाल चाल है? मैं ठीक से। चलो अब आपसे बातचीत करें, भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क है? भाई भाजपा ने जितने डुगडुगी वाला काम कर रखे है, वाजी करे वाला काम कर रखे है, कोई मतलब काम नहीं हुआ है। हमारा एक रोड पड़े है माने का श्योर, अच्छा वो पुल तोड़ के गए रखे है दो साल से, मजदूर से जमीन वही परली साइड में हमारी, और 5-5 किलोमीटर घूम के। आप दो तीन बात करा, एक तो अपने जो स्थानीय विधानसभा, अपनी जो अटेली विधानसभा है, इसमें आपका कहने चुना हुआ अर्जुन सिंह ने? अर्जुन सिंह ने क्यों? क्यों युवा नेता है, युवा और भी है, बात का धनी है, बात जो कहता है वो करता है। अच्छा कांग्रेस ने वोट दो गया अर्जुन सिंह का, मतलब तो कांग्रेस हो गया जी, कांग्रेस। अच्छा कांग्रेस में तो और भी दो तीन उम्मीदवार जता रहे हैं, जैसे अनीता यादव है, राव नरेंद्र सिंह है, नरेश यादव है, और दूसरे भी हो सकते हैं। ये वो तो होंगे लेकिन राव अर्जुन सिंह। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, राव अर्जुन सिंह अच्छे है इसलिए आप उनको वोट दे रहे हो, कहीं जब आप नरेंद्र सिंह को वोट नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे? नरेंद्र सिंह को भाई वो तो स्वास्थ्य मंत्री रहे अपने यहाँ पे, टिकट देंगे तो क्या करेंगे, काम ना करके दियो, कोई भी काम नहीं कर, जब वो स्वास्थ्य मंत्री से काम नहीं छोड़ के क्यों आयो
काम है ना करो जो बताओ इसे, तो ये बात तो आप सब सुन सो, मतलब नारनौल में काम नहीं करा, लोगों ने नकार दिया जब वो अटेलिया है, आप ये कह रहे हो तो अब आप अटेले में रख लो, कांग्रेस का ही तो है, कांग्रेस का है तो पड़े। चलो ठीक है, किसानों के हालात आज अगर हम बात देखो, किसानों के हालात देख लो, खाद देख लो, यूरिया देख लो, वो फसल को मुआवजे देख लो, किमी भी कह दे रहे हैं, भाजपा तो कह रहे हमने डबल कर दी 2022 में, कहा नहीं कर दी, 23 साल रही है, आधार कार्ड के लिए फलाने चीज के लिए दिखड़ी चीज क्या क्या आईडी में वहां रखी है सब, 50 रुपया की चीज का 300-300 रुपया लिए, मैं खुद देख आया हूँ। तो सरसों के भाव भी तो बता दिए, क्या किसके साथ बताई थी साहब, पीछे सात हजार किसके बताई थी साहब, क्या है कि पीछे सरकार के रोल से भाई, हम सरकार को रोल लिखूं ना, हम रेट बढ़ा सरकार के अनुसार, सरकार 500 रुपया बढ़ाया सी, 5,000 से 5,454 रुपया है, ये तो मार्केट रेट है भाई, कभी घट जाता है, 4,400 बिकी जब सरकार ने 5,454 क्यों ना खरीदी। नंबर दो बात यह है कि एक आईएएस की नौकरी में इतना कागज ना चाहिए, एक जमींदार बनने खातिर इतना कागज चाहिए भाई, 30 दिन 50 रुपए लेके आईसीएस। अच्छा यो बताओ मेरे को, भाजपा में सारे ईमानदार नेता हैं, ऐसा भाजपा कह रही है, आपने किला बहनू कहा कांग्रेस में ईमानदार ना है, सारे भाजपा में ईमानदार है भाई, ईमानदार है तभी आपके सामने से, अब ये कनीनामा के पैदल ना चलेगा, ऐसा तो सड़क सी तहसीला में इतना करप्शन से, बगैर आप काम करा के दिखा दो, जो भाई जाए करूँ तो बुरा बैठ काम कुछ भी कह जा सा, ठीक बात है, और जब जिन काम पड़े से ना बगैर पैसे, भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है, भरमार है भ्रष्टाचार की तो, और ये जो बुजुर्ग आदमी थोड़ा बहुत कम पढ़ा लिखा सी, पान की जो दुर्गति से वह देख ही नहीं जाए, 30 दिन बोले उठे रजिस्ट्रेशन करा कहो, ये बेचारा 100 नोट काट के उठे उठे रजिस्ट्रेशन करा कहीं सी, कब रजिस्ट्रेशन कराने का कागज ही पूरा ना जी, 4 साल में कागजा कितनी, अगर 2 मैट्रिक BA पास लड़का अगर उन कागजा संभालने खाते रखा जाए तो भी कम सी, एक घर में 2 आदमी कागजा संभालने चाहिए, नौकरी तो बिना खर्ची पर्ची के मिल रही है, कोई भर्ती ना आई, फार्म भरवा ली सी, अब जो कर्मचारी लग रहा है उन तनखा देने खातर और बेरोजगार का फार्म भरवा ली सी, फिर भर्ती कर दी सी कैंसिल, 1,000 रुपया फीस रश है, इतना अरबा रुपये बजट आज सरकार उन तनखा भर, आप ये कहना चाहोगे भर्तियां के नाम पे अरबों खरबों रुपए जो ये IPO लगाकर जो जमा करा रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन करे कुल मिलाकर सरकार, आप ये कह रहे हो रोजगार कतई ही नहीं दे रही, तो ये एपिसोड आप भाई कैसा लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते, खबर नहीं सच के लिए, आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा, नमस्कार।